हमने हमारी पिछली वीडियोज में दो कार बनाई थी जो कि काफ़ी अच्छी थी, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम कोई कार नहीं बना रहे, इस वीडियो के अंदर बनाएंगे हम एक स्पाइडर रोबोट। हाँ, एक स्पाइडर रोबोट। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करोगे यूट्यूब पर कि स्पाइडर रोबोट, तो आपको ढेर सारी वीडियोज मिल जाएंगी स्पाइडर रोबोट के ऊपर। लेकिन जब हम ऐसी वीडियोज देखते हैं तो हमें लगता है कि काश एक ऐसा रोबोट हमारे पास भी होता। तो आज हम एक स्पाइडर रोबोट बनाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पाइडर रोबोट को बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, कुछ 3D प्रिंटेड पार्ट और 12 G90 मोटर्स और कुछ पेच वगैरह। तो अब इन सभी चीज़ों को हम असेंबल करते हैं। हमने हमारे 3D प्रिंट किए हुए पार्ट्स के साथ सर्वो मोटर को कनेक्ट कर दिया है। अब बारी है कि हम इन मोटर का कनेक्शन कंट्रोलर बोर्ड के साथ करें। हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इनकी लेग्स को कॉन्फ़िगर करेंगे। हम सभी मोटरों को 90 डिग्री पर सेट करेंगे और इसके लेग्स को 90 डिग्री पर रोटेट करके इनको पेच की सहायता से टाइट कर देंगे। ये हमारा कोड है जो सभी मोटरों को 90 डिग्री पर कॉन्फ़िगर करेगा। चलिए इसको अपलोड करते हैं। रीअपलोड हो गया। अब हमें इसके साथ एक पावर सप्लाई जोड़नी है ताकि सभी मोटरें 90 डिग्री की पोजीशन ले लें। अब सभी मोटरें 90 डिग्री पर हैं। अब हमें स्क्रू की सहायता से इनको सेट करना है।
पहले लेग्स मैंने थोड़ी गलत लगा दी थी, लेकिन अब बिल्कुल सही है और सभी 90 डिग्री पर है। अब हम अपना मेन प्रोग्राम अपलोड करेंगे इसके अंदर, जो कि ये है। ओके, हमारा प्रोग्राम अपलोड हो चुका है। अब हम इसको बंद करेंगे अच्छे से और इसको टेस्ट करेंगे। हमने रोबोट स्पाइडर को पूरा असेंबल कर लिया है, अब बारी है इसकी टेस्टिंग की। वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जो कि मेरे सामने आई जब मैंने इस रोबोट को पहली बार बनाया। अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें तो मैंने फर्स्ट टाइम एक स्पाइडर रोबोट बनाया है, तो एक प्रोग्राम था लेग्स नाम का, जिससे कि अपन लेग्स को कॉन्फ़िगर करते हैं 90 डिग्री पर। वो प्रोग्राम मेरे लिए बिल्कुल ही काम नहीं किया। उसके बाद में मैंने इसको चला के देखा तो ये अजीब तरीके से हरकत कर रहा था। तो मैंने क्या किया, जो इसका मेन प्रोग्राम था मैंने उसके अंदर सिर्फ एक कोड रखा स्टैंड का, और इसको स्टैंड करके इसको मैनुअली सभी चीज़ों को ठीक किया, तो उसके बाद ये ठीक हो गया। अगर आप अगर बनाओ ऐसा और आपके भी सेम प्रॉब्लम आए तो आप भी ऐसा कर सकते हो। इसके अलावा जो मोटर है वो बार बार यहाँ से निकल रही थी, लूज हो रखा था, तो इसके ऊपर मैंने टाई वायर टाई लगा दिए, इसे भी अच्छी बात बनी। दूसरा, मैंने इसको डायरेक्ट 8 वोल्ट से नहीं ऑपरेट किया, मैंने इसको 5 वोल्ट से चलाया, जो अंदर डीसी टू डीसी स्टेप डाउन मॉड्यूल लगा हुआ है उससे। तो अगर आप भी ये रोबोट बनाना चाहते हो तो आप आराम से मेरी वीडियो देखकर बना सकते हो। और अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, इस रोबोट को अपने फ़ोन से कंट्रोल करेंगे। तब तक के लिए गुड लक।